हिमाचल के बॉर्डर खोलने को लेकर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अब जयराम के भरोसे नहीं, लोग राम भरोसे हैं। अब वैसे भी कोरोना कैजुअल हो गया है, सरकार के स्तर पर कोई मदद नहीं हुई है और क्या होगा इसका आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब तय हो गया है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जनता अपना ख्याल खुद रखे और इसलिए हम भी कहते हैं कि जनता सरकार पर डिपेंड न रहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 10,335 पहुंच गए हैं, 100 के लगभग लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अहम बात यह है कि कुल्लू, शिमला और कांगड़ा में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इन तीनों जिलों में 2,500 से ज्यादा कोरोना मामले हैं। नहीं देखिए, एक बात तो सामने आ चुकी है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सरकार है या हिमाचल प्रदेश की सरकार है, कोविड को निपटने में विफल रही है और इसके लिए जो है कोई सही रणनीति जो है बन नहीं पाई, और इसलिए हमने कहा था सरकार इस मसले पे कंफ्यूज है और वो सामने आ ही गया है। अब 10,000 केसेस हो गए और 100 के आसपास डेथ्स होने जा रही हैं, तो अब इन्होंने खोला है। अब वैसे भी अब बिल्कुल कैजुअल चल रहा है कि कोई सरकार की तरफ से कहीं पे भी किसी की कोई मददगार नहीं है। पहले लगता था कि जयराम सरकार के भरोसे जनता होगी, अब ये हो गया है कि राम भरोसे है जनता। और क्या होगा आने वाले समय में ये देखने की बात है। अब ये तय हो गया कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस का रोग नहीं है, इसको रोकना आप सब अपना अपना ख्याल रखो। इसलिए हिमाचल की जनता से हमारा यही आग्रह रहेगा कि आप सरकार पे बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें, अपना ख्याल खुद रखें।